बंगी बोलते हैं सीधे, तो बुरा लगता जो है, गलत है, बहुत गलत है ये तो बात। तो आपकी बेटी तो अभी स्कूल स्कूल में है, कॉलेज में है। आपको ये हतरस जैसा केस देख के आपको बहुत चिंता होती है मैम, बहुत फिक्र होती है कि चलो अभी तो करोना है, नहीं कहीं आ रहे जा रहे, लेकिन आगे तो जाना ही है। और फिर हम रोक अपने बच्चों को कहाँ तक रोकेंगे, एक बार बताओ। अब ये पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा। लेकिन फिक्र होती है कि हाँ भाई इनका भविष्य सेफ होना चाहिए, तो ये हमारी सरकार का फर्ज बनता है कि हमें हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर सेफ्टी होनी चाहिए, सेफ्टी रखें बेटियों की ज्यादा। पहली बात तो भेदभाव तो खत्म करना ही चाहिए। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है मतलब पुलिस के साथ में, और आप स्पेशली पुलिस से क्या एक्सपेक्ट करते हो, मतलब भरोसा है पुलिस पे? पुलिस वाले तो कुछ समझते ही नहीं, नहीं तो इतना वो तो लेडीज ऑफिसर भी बदतमीजी से बोलते हैं, जहाँ उन्हें ये पता चल जाए ना कि हाँ ये इस कास्ट को बिलोंग हाँ। करते हैं, तो और ज्यादा वो कुछ नहीं समझते, तू तड़ाक से बोलने लग जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैं अपने बेटे को लेके जाती थी हॉस्पिटल, तो लड़ाई झगड़ा हो गया वहाँ पे ना, इतनी बदतमीजी से वो बोल रहा था, क्या नाम इंस्पेक्टर, पता लग गया कि ये वाल्मीकि है, बहुत अच्छी बात नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। फिर मैं इस पर हैवी हुई, मैंने सुनाई इसको दो चार बातें, फिर वो थोड़ा शांत हुआ। क्या सुना? वो सोच जाते हैं ना, तो मतलब कहता कि ये कैसी बात सुनाई आपने, सुनाई इसको बात, कहने लगी भाई ये कौन है, गार्ड से हमारी लड़ाई झगड़ा हो गया था कि तुम कौन कहाँ से हो, मैं कि मैं वहाँ से हूँ सोनिया बिहार से हूँ, ये वो लड़का जिससे लड़ाई हुई थी हमारी वो इधर का था, बागपत साइड का था, अदर कास्ट था, और जो वो था SHO था वहाँ का, वो भी अदर कास्ट का था, तो लड़ाई झगड़े होते रहे, लेकिन उन्होंने उसका साइड दिया, हमारा साइड नहीं लिया। हमारे एक रिलेशन है, उनकी अच्छी बातचीत है पुलिस वालों से, तो उन्होंने बातचीत की कि ये भाई हमारे रिलेशन में है, हम वाल्मीकि है, क्या ठीक है ठीक है। जब थोड़ा सा शांत हुआ वो पुलिस वाला, नहीं तो खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, मतलब ये है बस तरफदारी नहीं करते हैं, बिल्कुल भी इंसाफ की बात नहीं करते। हाँ सीधे कहते हैं इन लोगों का तो काम ही यही है, काम ही यही है लड़ाई झगड़ा करने का, तो क्या करोगे तुम्हारा, तुम जो आवाज उठाओगे कोई नहीं सुनने वाला, चार दिन वो लगेगी क्या नाम तारीख लगेगी तुम्हारी, आओगे जाओगे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने ये होता है। और कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको सपोर्ट करती है मतलब यहाँ इस वाले एरिया में? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं करती, नहीं कोई भी पार्टी नहीं, कोई पार्टी कोई सपोर्ट नहीं करती। हाँ वोटिंग के टाइम पे तो आते हैं कि हाँ हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुम्हारे लिए वो करेंगे, तुम्हारा लिए तुम्हारे बच्चों के लिए वो करिए कर देंगे, पार्क बनवा देंगे और ये हॉस्पिटल कर देंगे, तुम्हें सुविधाएं देंगे, तुम्हारे यहाँ की सड़कें नल लगवा देंगे, कुछ भी वो इतने तुम्हारी नौकरियां भी लग, पर लेकिन कुछ नहीं है, सिर्फ वोटिंग के टाइम पे वैसे कुछ नहीं। वैसे तो अगर उनके यहाँ चले भी जाओ ना तो कहेंगे बाहर बैठ जाओ, सुनते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, जो डिस्पेंसरी है वो भी नहीं चलती। नहीं तो अभी जो बहुजन पार्टीज है ना, कुछ भी चलो BSP हो गया या भीम आर्मी हो गया, इनसे आप कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है आपका? बहुजन समाज पार्टी है लेकिन यहाँ पे ज्यादा बोल वाला BJP का है, तो उन लोगों की अभी चलती नहीं है, BJP की यहाँ नहीं चलती, BJP की चलती है ज्यादा। अच्छा। क्योंकि सब लोग यहाँ पे BJP के ज्यादा लोग हैं, वाल्मीकि कम्युनिटी में, वाल्मीकि कम्युनिटी में भी। अच्छा क्योंकि वो लोग हमेशा वोटिंग के टाइम पे आते रहते हैं ना, और कुछ लोग हमारे यहाँ ऐसे होते हैं कि मतलब बेचारों को उन्हें शराब वराब की बोतलें वोतले दे जाते हैं, तो वो कोई वोट कर देते हैं, थोड़े से पैसे दे जाते हैं, 100-200 रुपए दे जाते हैं कि हमें वोट कर देना, तो इस वजह से वो BJP की तरफ ही। तो आप बोल रहे कि इस तरह से BJP वाल्मीकि कम्युनिटी का वोट ले रही है, शराब दे के पैसा दे के, शराब दे के खरीद लेते हैं, खरीद। वैसे तो क्या नाम उस तरीके से हमें सपोर्ट नहीं करते, और इस वजह से यहाँ पे बहुजन समाजवाद पार्टी का मतलब कोई लेना देना नहीं करता। तो BJP तो कुछ करती भी नहीं है जातिवाद इसको हटाने के लिए, बढ़ावा देती है, RSS बढ़ावा देती है, वो
आप लोगों के जैसे कंडीशन एक मिनट तो सुनो, जब मोदी बना था प्रधानमंत्री जब उस दौरान में ही कह देता ये बेटी बेटी का कोई वो नहीं है, कोई भी बलात्कार कोई भी कर सकता है, ऐसी बात कही थी उन्होंने। दीदी कहा था ना मोदी ने? नहीं ऐसे कहा था, कोई भी नहीं बोल सकता दीदी। अच्छा हम आप पे अभी वापस आते हैं, ठीक है? आप पांच मिनट, हम अभी वापस आते हैं। मोदी दीदी दो मिनट ये रिकॉर्डिंग चल रही है। एक मिनट मेरे तो मेरे नहीं, मैं आपके पास अभी वापस आएंगे। नहीं अभी वापस आते हैं आपके पास। आपकी कंडीशन में जो अभी आप पहले जैसे थे या अभी जैसे हो, जो भी प्रोग्रेस हुआ है तो आपको कैसे लगता है किस वजह से पॉसिबल हो पाया है? मतलब पहले जो जिंदगी थी और अभी अब थोड़ा बेटर कंडीशन में हो तो कैसे लगता है आपको किस वजह से आपका प्रोग्रेस हो पाया? हमारा तो सफाई कर्मचारी आंदोलन की वजह से ही प्रोग्रेस हो पाया थोड़ा सा। हाँ क्योंकि डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं तो उन्होंने बहुत मतलब हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया, मतलब ऐसे ऐसे कानून लेके आए, वो ऐसा पूरा संविधान उन्होंने लिखा, लेकिन अब उनके संविधान को बड़ा तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उनके कानून पे कोई चल ही नहीं रहा। जो उन्होंने संविधान बनाया हर चीज के उसमें बेचारों की छेड़छाड़ कर रहे हैं। एक बात पूछनी कि दलित, बहुत लोगों को तो समझ में नहीं आता है कि दलित एक कम्युनिटी नहीं है, एक कम्युनिटी नहीं। हाँ बहुत सारी कम्युनिटीज है। तो वाल्मीकि होने का जो एक्सपीरियंस है और जिस तरह से आप जो वायलेंस वाल्मीकि कम्युनिटी की औरतें फेस करती है वो बाकी दलित कम्युनिटी से अलग है क्या? जी बिल्कुल अलग है। कैसे? वो क्योंकि वो जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो वाल्मीकि कम्युनिटी के लोगों को बिल्कुल नीचा सोचते हैं, बाकी दलित कम्युनिटी के लोग जी हाँ। और वो अपने आप को अप्पर सोचते हैं कि हम लोग अप्पर हैं ये लोग बिल्कुल नीचे हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जबकि है एक ही समाज, सभी लोग दलित हैं, मतलब दलित में काफी सारी कास्टें आती हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि दलित लोग जैसे हम वाल्मीकि होते हैं, हम वाल्मीकि लोग हैं, जैसे कि वाल्मीकि लोग बहुत मतलब नीचे हैं, ये लोग हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। तो बाकी दलित कम्युनिटीज भी आपके साथ छूत अछूत का? हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, मतलब कहीं कहीं नहीं करते, लेकिन जैसे यहाँ लोग बाग रहते हैं, जैसे यहाँ पे चमार कास्ट के लोग भी हैं, वो लोग समझते हैं कि भाई ये लोग तो हमारे से बहुत नीचे हैं, वो लोग अपने आप को ब्राह्मण कैटेगरी के सोचते हैं। चौहान नाम रख दिया है कास्ट, हम लोग चौहान हैं, वो अपने आप को सीधे ही ब्राह्मण कैटेगरी के सोचते हैं, और होते रहो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो सच्ची बात है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये है कि वो तो एक तरीके से होगा कि क्या फायदा कि अपनी जात छुपा के रहो क्यों, और ये भेदभाव हमने तो कोई बनाया नहीं, इंसानों ने थोड़े बना रखा, ना भगवान ने बना रखा, भगवान ने तो सब चीजें सब सब लोगों के लिए बराबर रखी है, इंसानों का ही तो बनाया हुआ है सब। अभी मैंने नौकरी के लिए बात की, मैं वो कहने लगी अपने वो दे दो डॉक्यूमेंट्स दे दो, मेरे TC में वाल्मीकि लिखा हुआ था, क्योंकि उसने जिसको मैंने दिए वो बोलने लगी यही जाति इसी कास्ट से तो पीछे हटती है सब, मैंने कहा क्यों, ये तो भाई हमारी मेन कास्ट है, पॉइंट बात ये तो हम हैं, मैं नहीं छुपाना चाहती किसी से, कोई लगाओ या मत लगाओ हमारी कास्ट जो है वो ही रही। कह लगी नहीं अच्छा नहीं लगता, मैंने कहा तुमने छुपा रखी अपनी कास्ट? मैंने कहा हाँ मैंने छुपा रखी, क्योंकि मैं नहीं छुपाऊंगी, उन्हें लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। उन्होंने किसी वजह से तो छुपाई है कि ताकि मेरे से आगे कोई लोग पूछताछ ना करे, मेरे से कोई छुआछूत ना करे, इसीलिए तो छिपाया है। तो ये छुआछूत की जब आती है ना बात तो वाकई में मन करते कि किसी को बताओ ही ना। हाँ यहाँ पे मुसलमान रहते हैं? हाँ रहते हैं। कैसा रिश्ता है मुस्लिम कम्युनिटी के साथ यहाँ पे? वो लोग भी ठीक रहते हैं, मतलब ऐसे जैसे अदर कास्ट वाले रहते हैं वो भी ऐसे रहते हैं, अलग रहते हैं। हाँ जी वो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आना जाना वो अपनी उसमें ही रहते हैं अपनी कम्युनिटी में। ठीक है तो आपको भी कैसा मतलब कैसा लगता है कि आपका जो दलित जो महिलाएं हैं उनके लिए जो वॉयलेंस है वो खत्म कैसे हो सकता है,
ये वाली चीज, मतलब दलित महिलाओं के ऊपर जितनी भी ये चीजें होती हैं वो कैसे खत्म हो सकता है वो सब, मतलब जैसे अत्याचार, दलित महिलाओं के ऊपर तो अत्याचार तभी खत्म हो सकता है ना जब ये हमारे जो मतलब जितने भी पुरुष लोग हैं वो अगर हमें सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं, इसके हस्बैंड इसको सपोर्ट करते हैं, उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबके तो नहीं करते ना, सबके नहीं करते, तो जब सबके नहीं करते तो ये होता है कि हमारा जो आता है तो फिर पुरुष प्रधान देश आ जाता है कि यहाँ पर पुरुषों का ज़्यादा मतलब हर बात में पुरुषों की ज़्यादा चलती है, तो जब तक मतलब पुरुष की बराबरी के होने चाहिए ना, एकदम बराबर बराबर रहना चाहिए, तो अब बेचारी पढ़ी लिखी भी नहीं होती महिलाएं, अनपढ़ होती हैं, अनपढ़ होती हैं, अपना दुख दर्द अपने सोचते हैं कि भाई चलो मेरी गृहस्थी है, मेरी गृहस्थी है, मैं किसे किसे बताऊंगी, जिसे बताऊंगी तो लोग बाग हंसते भी हैं, कुछ लोग बाग मजाक भी बनाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इनका तो यही काम है, तो इसीलिए जल्दी से बताते भी नहीं किसी को कि भाई हमारे साथ ये उत्पीड़न हो रहा है या चल रहा है, जल्दी से बताती भी नहीं महिलाएं, अंदर ही अंदर सहती भी रहती हैं बहुत ज़्यादा, पर जो ये सब चीज़ें गलत है, इसके लिए तो हमारे जितने भी सारे पुरुष हैं उनको समझना पड़ेगा कि महिलाएं कहाँ हैं। तो आखिरी सवाल, क्या आप अपने आप को हिंदू मतलब समझते हो पूरी तरीके से? हाँ, हिंदू समझते, या जो हिंदू जो लोग हैं वो आप लोगों को पूरी तरीके से हिंदू या फिर समझते हैं या फिर वह आपको वैसा ट्रीट किया जाता है? वो लोग नहीं समझते, वो जाते ये भंगी चूड़े, वो सीधा यही बोलते हैं बस भंगी नहीं, कहीं जाएंगे ना कहीं और जाएंगे कि कौन से मोहल्ले से, वो भंगी वाले मोहल्ले से आए जहाँ पे भंगी लोग रहते हैं ये बोला जाता है। आप पूरी तरह हिंदुत्व को मानते हो? हाँ, हमारा तो पूरा, हमारा तो पीढ़ियाँ तक हिंदुत्व को मानती आ रही है, हिंदू धर्म की सारी हम रीतियाँ भी करते हैं, सारी मतलब जितने भी त्योहार हैं सब करते हैं, सब कुछ हम हिंदू धर्म से ही हर काम करते हैं, पूजा पाठ सब कुछ। थैंक यू, नमस्ते, नमस्ते जी।